श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय जगन्नाथ 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 हरे जय जय राम कृष्ण 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 हरे जय जय जगन्नाथ 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 हरे जय जगन्नाथ हरे बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से कथा प्रारंभ होने जा रही है। भक्तमाल जी के माध्यम से हम लोगों का कालक्षेप हो रहा है। कोई फूलों की माल भगवान को धारण करवाते हैं, कोई तुलसी की माल भगवान को धारण कराते हैं, कोई रत्नों की माल भगवान को धारण कराते हैं, कोई सोने चांदी इत्यादि कीमती धातुओं की माला धारण करवाते हैं। और माला को तो भगवान उतार के रख देते हैं रात्रि में शयन करने के समय, लेकिन भक्त चरित्र की माल को ठाकुर कभी नहीं उतारते। उसको तो हर पल अपने हृदय पर धारण करके रखते हैं। ये माला इतनी प्यारी लगती है, भक्त को कभी भी ठाकुर अपने से विभक्त नहीं करते, अलग नहीं करते। तुलसीदास मारुत सुत महिमा श्रीमुख करत बड़ाई। श्री हनुमान जी जैसे भक्तों की, भरत जी और लक्ष्मण जी जैसे भक्तों की, ध्रुव प्रहलाद मीरा सुर तुलसी कबीर जैसे भक्तों की प्रशंसा श्री ठाकुर जी अपने मुंह से करते हैं। यदि कोई वक्ता मिल जाए तो बैठ के सुनते हैं, कोई श्रोता मिल जाए तो उसको सुनाते हैं, कोई वक्ता श्रोता नहीं मिला तो अपने भीतर भीतर उन भक्तों को याद करके अश्रु बहाते रहते हैं। ये भक्तों की माल ऐसी माल है। कल सीन भगत जी के चरित्र का दर्शन हम लोग कर रहे थे, आज श्री परम भागवत रैदास जी के चरित्र का दर्शन हम लोग करेंगे। मीरा जी ने
रैदास जी के चरित्र की विशेष महत्ता प्रकट की। मेरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास, चेतन संतासीन है, दीसत गुरु रैदास। कबीर जी के सामने बात आई, मीरा ने रैदास को गुरु बनाया तो क्या अच्छा किया? झाली रानी ने क्या अच्छा किया रैदास जी को गुरु बना के? तब कबीर जी ने कहा, अरे पगला, जातन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कीमत तलवार की होती, म्यान की कीमत नहीं होती। म्यान कितनी भी अच्छी क्यों ना होवे, तलवार अच्छी नहीं है तो हमारी रक्षा नहीं हो सकती। म्यान कितनी भी टूटी हो, पुरानी हो, खराब हो, लेकिन यदि तलवार अच्छी है हर पल हमारी रक्षा हो सकती है। ऐसे ही श्री कबीर जी कहते हैं, साधु की जात से क्या लेना देना, कोई तुम्हें उससे बेटा बेटी की शादी करनी है, तुम्हें तो उसकी आध्यात्मिक संपत्ति से लेना देना है, तुम तो उसके ज्ञान वैराग्य भक्ति साधना उपासना की ओर देखो। बात कबीर जी जो कहते हैं बड़ी पते की कहते हैं। राम जी ने शबरी की जात कहां देखी? केवल शबरी का प्रेम देखा और कह दिया, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, मैं तो मात्र एक भक्ति का नाता मानता हूं और कोई नाता मानता नहीं। एक सेठ जी ने दिवाली पर लक्ष्मी जी की मूर्ति बनवाई। गणेश चतुर्थी आई, सेठ जी का मन आया कि मुझे गणेश जी भी बनवा लेने चाहिए। चूहा सहित गणेश जी बनवाने के लिए सोना दे दिया, सुनार को के लिए एक चूहा बनाना, एक गणेश जी बनाना। सुनार ने बनाना तो था पहले गणेश जी, लेकिन बना दिया पहले चूहा। ढलाई का चूहा बनाया कि जल्दी बन जाएगा, उसमें सोना ज्यादा लग गया। श्री जी ने 1 किलो सोना दिया था, 750 ग्राम सोना केवल चूहा बनाने में ही लग गया, ढलाई में ज्यादा लगता है।
सुनार को लगा कि ले ये तो अब 250 ग्राम ये सोना बच गया और इसमें गणेश जी भी बनाने हैं और गणेश जी तो बड़े बनाने हैं, तो गणेश जी जो बनाए वो ढलाई वाले नहीं बनाए, गणेश जी जो बनाए वो सांचा में ऐसे ठोक के जो बनाते हैं मूर्ति बाहर निकल आती है, सोने की प्लेट बना करके उसमें ठोक दिया तो गणेश जी बाहर निकल आए। गणेश जी 250 ग्राम में बन गए, चूहा 750 ग्राम में बना, सेठ जी को पसंद नहीं आया, वो बेचने के लिए गए कि नहीं ये ठीक नहीं बने। दुकानदार ने कहा चूहा की कीमत 30,000 रुपए है, गणेश जी की कीमत 10,000 रुपए है। सेठ जी ने कहा पगले, गणेश जी महंगे कि चूहा महंगा रे। दुकानदार ने कहा मुझे न गणेश जी से मतलब न चूहा से मतलब, ना मैं गणेश जी खरीद रहा ना मैं चूहा खरीद रहा, मैं तो सोना खरीद रहा हूं। कबीर जी कहते हैं तुम्हें सोने से मतलब होना चाहिए, तुम्हें न गणेश जी से मतलब होना चाहिए न चूहा से मतलब होना चाहिए। जातन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ऐसे ही एक परम भागवत चमार जाति में जिनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी ठाकुर ने इनको अपने हृदय से लगाया। नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल में रैदास जी का चरित्र लिखा 6 पंक्तियों में, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की, वाणी विमल रैदास की। किसी भी व्यक्ति के हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति से संबंधित कोई भी संदेह होवे और यदि वो रैदास जी के पास आ गया, रैदास जी ने इतना सुंदर उसको समझाया कि उसका संदेह तुरंत दूर हो गया। इसलिए श्री